हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग एक और मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रेक्टेंगुलर गेम। तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज सेइंग दैट यू आर गिवन एन इनफिनाइट 2D ग्रिड विद बॉटम लेफ्ट सेल रेफरेंस्ड एस 1 1, मतलब उसका इंडेक्स बता रहा है कि 1 1 है। एंड द सेल्स कंटेन अ वैल्यू ऑफ 0 इनिशियली। सारे के सारे जो सेल्स हैं वो 0 वैल्यू उसकी इनिशियली है। Let's play a game. The game contains the n steps wherein each step you are given with two integers a and b. The value of each of the cell in the coordinate uv satisfying 1 less than or equal to u less than or equal to a and 1 less than or equal to v less than or equal to b is increased by 1. Okay, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास ये 0000 वाली बिगिनिंग में एक बिगिनिंग में मुझे इस तरह का इनपुट गिवन है। एंड देन उसके बाद हमें ए भी इस तरह से गिवन है कि ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि 2 रोज और 3 कॉलम्स, इनमें जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सभी को आप एक एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। सो आप देख सकते हैं ये जो सारी सारी वैल्यूज हैं उनको एक एक इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं उसमें सभी वैल्यूज को एक एक इंक्रीमेंट कर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को। नाउ आफ्टर एन सच स्टेप्स इफ एक्स इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल द सेल्स इन द रेक्टेंगुलर बोर्ड यू कैन प्रिंट द नंबर ऑफ एक्स इन द बोर्ड। तो एक काम करते हैं कि एक टेस्ट केस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सैंपल इनपुट इसमें गिवन है कि 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। पहला ऑपरेशन है 2 रो और 3 कॉलम, मतलब एक ही 2 रो और 3 कॉलम के एलिमेंट्स को सभी को 1 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वहां पर यही हो रहा था कि 2 रो और 3 कॉलम के एलिमेंट्स को 1 1 1 1 कर दिया गया है। इसके बाद जो सेकेंड रो बता रहा है कि 3 रोज एंड 7 कॉलम्स, इसका मतलब है कि नीचे से लेके अगर हम रो नंबर की काउंटिंग करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये है, रो नंबर 3 ये है। कॉलम की अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी एलिमेंट्स को एक एक इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो ये जो वैल्यूज हैं जो कि पहले से 1 थी उनको 2 हो, उनकी वैल्यू 2 हो गई और बाकी सारी वैल्यूज जो थी हमारी वो 0 थी इसलिए वो 1 हो गई। इस तरह से हमने इंक्रीमेंट कर दिया। जो तीसरा ऑपरेशन है वो तीसरा ऑपरेशन ये कह रहा है, थर्ड ऑपरेशन सेइंग कि 4 1, इसका मतलब है कि 4 रो और 1 कॉलम, इसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो अभी आपके पास इनिशियली जो वैल्यूज हैं उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा 4 रोज और 1 कॉलम, मतलब कि 1 2 3 4 रोज और 1 कॉलम हमारा ये वाला होगा, सभी की वैल्यूज को एक एक इंक्रीमेंट कर देना। जो आप इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो 3 होगी और 3 दो टाइम अपीयर हो रहा है, 1 और 2, तो इसलिए आपका जो आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए इस केस में। तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट हमारा है वो 2 है। तो इसी तरह से आपको एक काम करना है कि जितने भी सैंपल इनपुट्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और वो कितनी बार अपीयर होता है हमारे बोर्ड पे। इस प्रॉब्लम को अगर हम ध्यान से देखें और अगर हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो हमें 2D एरे लेना पड़ेगा और उसमें वैल्यूज को हमें अपग्रेड करता ना इंक्रीमेंट करते रहना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी बार उन वैल्यूज को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद आपको पूरा ट्रेवर्स करके पता करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट वैल्यू कितनी बार आ रहा है, देन आपको उसके लिए दोबारा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में होगी। इसको हम आसान बना सकते हैं थोड़ा सा अगर आप रियलाइज करें इसमें कि जो ये वैल्यूज गिवन है वो रो और कॉलम के फॉर्म में हमें गिवन है। और अगर हम ये कर लें कि ये जो एक्स वाला हमारा पार्ट है या जो हमारा रो वाला पार्ट है, इस रो वाले पार्ट में मिनिमम फाइंड करिए, तो लेट्स से वो एक्स मिनिमम है सो वो हो जाएगा हमारा 2। और इसी तरह से कॉलम साइड में भी आप मिनिमम वाला फाइंड कर लें सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। और एक्स मिन और वाई मिन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे जो आपको जो आंसर मिलेगा इतने ही सेल में लार्जेस्ट वैल्यू होगी। फाइन, इतने ही सेल में लार्जेस्ट वैल्यू होगी क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस इफेक्टिव हो रहे हैं
वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि रो नंबर बढ़ते हुए क्रम में और कॉलम नंबर बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं और ऑपरेशन अप्लाई करते समय हमने ये देखा है कि जो मिनिमम रो वाला या मिनिमम रो वाला एलिमेंट है वो हर बार अपीयर होगा या हर ऑपरेशन में अपीयर होगा, इसी तरह से जो मिनिमम कॉलम वाला एलिमेंट है वो भी हर बार अपीयर होगा। तो ये जो हमारा एक एरिया बनेगा मिनिमम एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम से, इसी एरिया में जो एलिमेंट्स होंगे वही हमारे सबसे ज्यादा बार अफेक्ट होंगे, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार इंक्रीमेंट होंगे। तो हमने क्या किया कि एरिया को फाइंड करने के लिए एक्स मिन और वाई मिन को मल्टीप्लाई कर लिया और इसी से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम को पहले से सॉल्व करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इनपुट के हिसाब से ये सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम है। इसमें मैंने ये पता कर लिया कि मेरे पास कितने ऑपरेशंस हैं, तो एन इज द नंबर ऑफ द ऑपरेशन। अगर आप सी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप सी में ऑलरेडी इसमें गिवन होगा। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जो मिन रो है उसको बहुत लार्ज वैल्यू मतलब इंटीजर मैक्स से इनिशलाइज कर दिया और जो मिन कॉलम है उसको भी मैंने इंटीजर मैक्स से इनिशलाइज कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि लार्ज वैल्यू होगी तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एरे में ऑपरेशंस गिवन है तो उन एरे में से एक्स वैल्यू को मुझे बार बार पिक करना पड़ेगा और जो करंट मिनिमम वैल्यू उसे कंपेयर कराना होगा, एक सिंपल मिनिमम की अर्थमेटिक है। सिमिलरली जो कॉलम के साइड में भी है हमें वाई वैल्यू बार बार चेक करनी पड़ेगी और वाई वैल्यू से हमें बार बार कंपेरिजन करना होगा। तो मैंने क्या किया कि जो हमारा एरे गिवन है जिसमें कि स्टेप्स हैं या ऑपरेशंस गिवन है उन ऑपरेशंस के हिसाब से एक्स ले लिया एक्स में और वाई ले लिया वाई में। तो अगर ये जो करंट एक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम को हमने अपडेट कर दिया और इसी तरह से सेम लूप में मैंने वाई मिनिमम भी फाइंड किया, तो अगर वाई इज लेस देन मिन कॉलम तो मैंने मिन को भी अपडेट कर दिया। तो जितने स्टेप्स हैं उतनी बार ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फाइनली मेरे पास मिन रो और मिन कॉलम होगा और आप रिटर्न कर देंगे मिन रो एंड मिन कॉलम। यहाँ पे मैंने लॉन्ग इसलिए लिया है मिन रो एंड मिन कॉलम को, मैं इंटीजर भी ले सकता था कि अगर ये वैल्यूज बहुत बड़ी हुई तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉन्ग वैल्यू हो जाएगी या वो रेंज को क्रॉस कर जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले से इसको लॉन्ग लेके रखा है ताकि इसका जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो भी लॉन्ग वैल्यू हो और ये जो रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का वो भी लॉन्ग हो। आइए इसको हम सबमिट करके देखते हैं, पहले इसका सैम्पल टेस्ट कैसे रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सैंपल टेस्ट केस है वो पास हो गया है, आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए, सो आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल प्रॉब्लम एंड वी विल मीट अगेन विद अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग।